हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ये व्रत पाप से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने के पाप से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। अगर महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, तो वो रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए उपयोगी और कल्याणकारी माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को शाम 5:37 पर शुरू होगा और 8 सितंबर को शाम 7:58 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को ही रखा जाएगा। ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर महिलाएं करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं अपने पति के प्रति विश्वास, प्रेम और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस व्रत से महिलाओं के मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा मिलता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम बहुत कड़े हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। पंचमी के दिन व्रत रखने वाले साधकों को सप्त ऋषि की पूजा करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्रत का फल ज्यादा मिलता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर आदि का दान करें, साथ ही सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। इससे साधकों को ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है।